आज मैंने ब्रेकफास्ट में सूजी का चीला बनाया है जो बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। ब्रेकफास्ट में चीला बनाने के लिए मैंने सूजी को रात में ही दूध में फुलाकर उसे फ्रीज में रख दिया था। सुबह में मैंने इस मिक्सचर में मिलाने के लिए प्याज, हरी मिर्च, अदरक, शिमला मिर्च, टमाटर और धनिया पत्ते को काट लिया। फिर मैंने सूजी और दूध के मिक्सचर को फ्रीज में से निकाल कर खूब अच्छी तरह से फेंट कर एक बॉल में पलट लिया। इसके बाद उसमें सारी कटी हुई सब्जियों को मिला दिया। मसाले में हमने भुने हुए धनिया जीरा के पाउडर को मिलाया है और इसके बाद अंदाज से नमक, लाल मिर्च और फेटा हुआ एक अंडा मिक्स किया है। अब इन मिश्रणों को खूब अच्छी तरह से मिलाकर 5 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ दिया है। 5 मिनट के बाद थोड़ा और फेंट लिया है और अब हमारा चीला बनने के लिए रेडी है। अब मैंने गैस पर तवे को गर्म कर उस पर 1 चम्मच तेल डाला है और ब्रश से खूब अच्छी तरह से चारों तरफ फैलाकर चीले के घोल को डालना शुरू किया है। चम्मच से घोल को पूरी तरह से फैलाते हुए उसे गोल चीले का आकार दे दिया है। जब चीला थोड़ा सा ऊपर से सूख गया है तो तेल की हल्की ब्रशिंग करके उसे चारों तरफ से घुमाया है और फिर पलट दिया है और फिर मीडियम फ्लेम पर चीले को हल्के हाथों से दबाते हुए और उलट पुलट कर सेक लिया है और हमारा एक चीला रेडी हो गया। और इसी तरह से दूसरे चीले को भी बनाने के लिए मैंने थोड़ा तेल डालकर ब्रशिंग की है, उसमें सूजी के मिक्सचर को डाला है और उसे बराबर से चलाते हुए, घुमाते हुए, सेकते हुए दूसरा चीला भी तैयार कर लिया है। और अब ये सूजी का हेल्दी दूसरा चीला भी बनकर तैयार हो गया और इसी तरह से मैंने सारे चीलों को बना लिया है। इस तरह से सूजी का स्वादिष्ट और हेल्दी चीला खाने के लिए बनकर तैयार हो गया है।